आम आदमी पार्टी ने दंतेवाड़ा पहुंचकर जय स्तंभ चौक पर 11 शहीद जवानों के नाम पर श्रद्धांजलि दिया जलाते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करी है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शहीद जवानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की मांग भी करी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपिंडी आज अरनपुर पहुंचे, जहाँ पर शहीद जवानों के शोक परिवारों से मिलकर उन्हें सहानुभूति व्यक्त की है। पार्टी की तरफ से यथासंभव मदद करने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। साथ ही इस दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारत माता की जय। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। मेरा नाम तरुणा साबे बेदरकर है। मैं आम आदमी पार्टी बस्तर लोकसभा की सचिव हूँ। आज दंतेवाड़ा में हमारा विशेष रूप से आने का प्रयोजन था। यहाँ पे 27 तारीख को जो अरनपुर के जो जगह पे जो जवान शहीद हुए हैं, जो 11 जवान, उनके परिवारों से हमारी जो प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी जी के साथ हमारे प्रदेश के जो कमेटी के जो लोग हैं, साथ ही हमारे जिला के पदाधिकारी, वो पूरे लोग पीड़ित परिवारों को मिलने के लिए आए हुए हैं। साथ ही उनके साथ मिल के हमने उनका हालचाल जानने की कोशिश की, और यहाँ पे उनसे मिल के आने के बाद दंतेवाड़ा के चौक पे हम उन 11 शहीदों के नाम हमने दीपक जला के उनको श्रद्धांजलि दी है, ताकि भगवान उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। और आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कोमल उपेंडी जी के द्वारा भूपेश सरकार को पत्र लिखकर मांग की गई है कि 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दें, साथ ही साथ उन परिवारों में से एक व्यक्ति को भरण पोषण के लिए उनकी व्यवस्था दी जाए, और साथ ही उनको नौकरी का प्रावधान भी दिया जाए। छत्तीसगढ़ के लिए बेहद दुखद घटना था। 27 अप्रैल को 10 जवान और एक ड्राइवर जो कि नक्सली हमले में शहीद हो गए, छत्तीसगढ़ के लिए बेहद दुर्भाग्यजनक था। आज आम आदमी पार्टी के हमारे सारे पदाधिकारी, लोकसभा और जिले के पदाधिकारी, सारे शहीद जवानों के परिजनों से जाके मिले, उनके दुख तकलीफ को देखा, और हमने प्रदेश सरकार से मांग किया है कि प्रत्येक शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपया सहयोग राशि और उनके परिजनों को नौकरी सरकार के द्वारा दिया जाए, हमारी मांग है। और इसके अलावा हमने देखा कि वो काफ़ी गरीब हैं, आदिवासी परिवार के हैं, उनको आज भी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उस पर सरकार गंभीरता दिखाए। हमने आज दंतेवाड़ा के जयस्तंभ चौक में 11 दिए जला के 11 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को जो तकलीफ है उस सहने की शक्ति दे।